विश आपके सॉन्ग एक राह को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा सोल को भी हार्टिंग सॉन्ग है, क्या कहना चाहूँगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कहना है लोग ही कहेंगे भी कमेंट्स के थ्रू या जो भी जिस भी मीडियम से वो देख पा रहे हैं गाने को। हमारा काम था बनाना और उस पर मेहनत करना, वीडियो क्रिएट करना, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। नहीं नहीं, मैंने लिखा नहीं है, लिखने वाले कोई और हैं। मैंने उसको पूरा रिक्रिएट किया, जैसा गाना मेरे पास आया था, तो आई माय सोल टू इट। एंड म्यूजिकली मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ मैंने थोड़ा अपना स्टाइल डालने की कोशिश की जो मैं जैसा फील करना लगा। जनरली मेरे जो गाने होते हैं वो मैं खुद ही लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, बनाता हूँ, सब चीज़ें होती हैं, पर इसमें राइटर कोई और है। बाकी वीडियो का कॉन्सेप्ट जो था वो मेरा था, वीडियो का पूरा शूट किया, डायरेक्ट किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोसेस था और ये एक अच्छी फीलिंग थी कि कुछ अलग क्रिएट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा, गाने के अगर लिरिक्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टचिंग है ना। आपने गाने पर भी कहा कि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? आप भेज रहे हो अंदर से निकाल रहे हाँ, मतलब ये मेरा क्या है तो सबकी कहानी है, सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ही होता है ऐसा कि आपका कभी ना कभी दिल टूटता है, आपको आप हर्ट होते हो। और मुझे लगा कि ये सभी की कहानी है, तो अगर इसको हम अच्छे से बता पाएँ नए स्टाइल से और नए तरीके से और पैशन के साथ, तो वो लोगों तक पहुँचेगी बात। तो अच्छा, लेकिन हमने लिरिक्स में एक जगह ये भी सुना, मतलब जो सुन के उसका मीनिंग दिखाई दे रही है, वो जल्दी ऐसा दिखता है कि लड़कियां मूव ऑन जल्दी कर जाती है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? लाइक रियल लाइफ में ऐसा होता है? ये एक्चुअली है ऐसा, पता है ये मतलब मैंने मेरा जो पर्सनल, मैं अपनी बात करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा या मेरे फ्रेंड सर्कल में या जितने लोगों ने देखा, एक्चुअली लड़के बहुत देर तक टिके रहते हैं उसी के साथ। क्योंकि आपने कभी सुना है कि लड़कियों ने पीना स्टार्ट कर दिया है गम में, या लड़कियों ने अपने हाथ काटने स्टार्ट कर दिए गम में, ये सब काम लड़के ही करते हैं ना? नहीं, आपने कब सुना है? आपने पर्सनली देखा है? मोस्टली मूवीज में भी दिखाया जाता है कि लड़कियां भी डिप्रेस होती है, वो भी परेशान होती है, डिप्रेस होती है, वो लड़के एक्सट्रीम चले जाते हैं, पीना शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, लटक जाएंगे, क्या क्या करते हैं, तो लड़कों पर ज़्यादा बीतती है। तो बींग अ गाय मेरा वो फर्ज था कि मैं ये चीज़ दिखाऊँ, ग्रेट। अच्छा, इसी के साथ साथ इस खास मौके पर राघव भी आए थे जो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, कुछ बताना चाहेंगे आफ्टर सच अ लॉन्ग, या फिर आप लोग मिलते जुलते रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो हमारा घर भी ऐसे है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और हम बहुत टाइम से पहले तो हम साथ ही रहते थे, अभी मेरा अलग सेटअप है स्टूडियो, तो काम की वजह से थोड़ा सा कम मिलना होता, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मिलता है, पर जब भी मिलते हैं वही बचपन वाली बात है, जैसे बचपन में थे वैसे ही आज भी हैं। अच्छा, इन कोविड सिचुएशन में हमने देखा था राघव ने बहुत हेल्प की है उत्तराखंड के लोगों की और बाकी लोगों की, तो उसे लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? लाइक बहुत सराहनीय काम किया है। यार मैं तो कुछ होता ही नहीं हूँ बताने वाला, मतलब आप पूरे देश ने देखा है किस तरीके से राघव ने वो इनिशिएटिव लेके कैसे घर घर जाके सिलेंडर से लेके और जितनी भी चीज़ें थी, और वो ऐसा टाइम था कि उस टाइम कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा था। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत स्लो लोग रहते हैं उतना, तो पर राघव ने जो इनिशिएटिव लिया और पूरा आपके सामने तो सबने देखा सोशल मीडिया के थ्रू कैसे क्या हुआ। अच्छा, वो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्हें आप होस्टिंग करते ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उन्हें डांस करते हुए एक्टिंग करते हुए? जो होस्टिंग करता है वो होस्टिंग नहीं करता है, वो ऐसा ही है लाइफ में, रियल लाइफ में व्हेन ही इज होम ऑल्सो, वो बिल्कुल उसका जो आप स्टेज पे देखते हो वो घर में भी वैसे ही उतना ही एंटरटेनिंग, उतना ही कुछ कुछ अलग अलग मोमेंट कर देना घर में किसी के भी साथ, ड्राइवर के साथ कुछ कर देना, स्टार्ट प्रैंक शुरू कर देना, तो उसका लाइफ स्टाइल है वो, इज नॉट एक्टिंग, और वो सब कुछ वैसा है नहीं कि वो कुछ बना के कर रहा है। डांस तो हम सब ने देखा है कि क्या होता है उसमें, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बता के और जताऊँ, सबको पता है उसके बारे में। अच्छा, वीडियो में आप भी फीचर हुए हैं, कभी आप भी फुल प्लेजर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं? फुल प्लेजर अभी तो यही हो रहा है,
इसी में ही एनर्जी इतनी लगती है कि ऐसा लगता है कि यार कैसे करें कैसे करें। अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा है, पर ये इतना इजी हो जाएगा मेरे लिए वीडियोस करना और ये करना कि बहुत टाइम बच रहा है, बहुत कुछ है करने के लिए, तब ये भी अलग इम्पोर्टेंट। बट अभी तो बिग बॉस बहुत बजिंग शो होता है, तो आप देखते हैं या फिर इस बार का बिग बॉस ओटीटी पर आने वाला है? मैं छोटा छोटा देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो भी क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे इंगेजिंग पार्ट डालते हैं, किसी ने बाल खींच लिए कुछ कर दिया उस पर भी किसी, तो इतना ही मैं देखता हूँ और उसके बाद वहीं से ही एनर्जी चेंज हो जाती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो वहीं से कट लेता हूँ। अच्छा, इस बार के कंटेस्टेंट आपने देखे कौन कौन है, कोई आपका फेवरेट हुआ है? इस बार का आ गया कोशिश कर रहा हूँ नया करने की, कुछ अलग करने की, आप लोगों का सपोर्ट है उसके अंदर कुछ नहीं है, और यार आप पहले भी देते आए हो ऐसे ही देते रहो, और प्लीज़ वो वॉच इट एक राह, और एक राह देख के प्लीज़ जिस भी मीडियम से आपको बताना है इंस्टाग्राम यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर बताओ आप सबका एक्सपीरियंस, और आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो इसलिए ठीक है। इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा अगर आप इसकी बुक लाइन थोड़ी सिखा देते, थोड़ी कैसे जी लेते हो तुम, कैसे जी लेते हो तुम मेरी राहों को मोड़ के, साथ को छोड़ के, मेरे टूटे ख्वाबों से खुद के ख्वाब सीते हो तुम। थैंक यू सो मच। ओके, तो पहले सबसे पहले तो वेलकम टू ब्लिस फ्री चैनल। थैंक यू। अच्छा पहले क्या कहना चाहोगे अपने इस नए सॉन्ग को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग है, कहते हैं आपके? इट्स अ वेरी यूथ अट्रैक्टिंग सॉन्ग एंड इट्स अ सॉन्ग दैट टचेस अस really well. I mean, honestly, after shooting, जब मैंने पहली बार वीडियो देखा, it even touched me. So it's something we all connect to very, you know, deep. Yeah. Okay. आपने बताया था press conference के दौरान कि ये गाना आपकी personal life से भी काफी attached है, like heartbreaking and all, so कुछ बताना चाहेंगे? So मतलब जैसे तापिश भी कहा था, heartbreak face सबके साथ चलता रहता है, मेरा भी था, but सिर्फ मतलब उतना था कि इसमें roles reversed थे. I was the one cheating in the song, but real life में वैसा नहीं था, real life में I was the one who was cheated and everything. So हाँ, that's all about it. I do connect to the song a lot. अच्छा, लेकिन टीम के साथ काम करना कैसा रहा experience overall? The team is amazing. I mean, उनके साथ जो experience था, it is they were very supportive about everything. They didn't make me feel like an outsider, and moreover they were very encouraging and motivating. So yeah, my overall experience. अच्छा सॉन्ग की अगर थीम की बात करें तो ज़्यादा ये दिखाया गया है कि कैसे लड़कियाँ मूव ऑन कर जाती है, तो कुछ कहना चाहेंगे कि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि सच में लड़कियाँ मूव ऑन करती हैं? नहीं, रियल लाइफ में ऐसे लड़का लड़की में कुछ डिफरेंस होता नहीं है, इट्स जस्ट कि कोई एक इंसान कितना इमोशनली कनेक्टेड होता है किसी से, सो आई वुडंट टर्म इट कि लड़कियाँ हो जाती है लड़के हो जाते हैं, इट्स समथिंग यू कैन नॉट you know differentiate on the basis of gender, it is just a personal choice ki koi kitna attach hota hai koi kitna nahi hota. Acha pehle boyfriend ki agar hum baat kare to kis tarah ke project aap aage dekh rahe hain? A lot of things are in store, I'm not going to say much about it, but ha kaafi kuch matlab music videos and etc sab aap dekh rahe hain. And how about reality shows? Kabhi reality show kabhi like the split villa ya phir rodi kind of देखते हैं अभी जैसे जाते हैं वैसे विद द फ्लो व्हाट कम्स इन प्लेस, एंड आई जस्ट हैव वन थिंग इज टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. अच्छा, बिग बॉस हमेशा बज में रहता है, तो आपके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है इस बार का बिग बॉस? बिग बॉस इज बीन लाइक वन ऑफ माय फेवरेट रियलिटी शोज सिंस लाइक आई वाज अ चाइल्ड, एंड आई सी लाइक आई वॉच एवरी सीजन, आई हैव मिस एनी सीजन टिल डेट, एंड वो बज तो है ही, मसाला मिलता है, मज़ा आता है, टास्क एंड ऑल होता है, सो यार इट इज़ अ ग्रेट शो. अच्छा, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट भी रिवील हुए, कोई आपका फेवरेट है जो अभी तक के मतलब? मुझे न्यू सीजन का कुछ अभी तक आइडिया नहीं है, सो आई डोंट नो मच अबाउट. अच्छा, लेकिन इस बार ओटीटी पर आ रहा है, सो वो कैसा है आपके लिए, क्योंकि टीवी पर पर्टिकुलरली बैठकर देखना डिफरेंट है?
राइट सो मैंने प्रमोशन देखा आई वॉज वेरी एक्साइटेड हालांकि मैंने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है बट आई वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड हाउ अबाउट करण सर जो होस्ट कर रहे हैं करण सर इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट ही इज द पर्सन हु ब्रिंग्स अप ऑल द स्पाइस एंड मसाला सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच अच्छा कभी अगर फ्यूचर में आपको ऑफर हुआ सो विल यू बी पार्ट ऑफ देखेंगे वो तो टाइम आने पे पता चलेगा ओके लास्ट यानी मैसेज टू फैंस keep on supporting and sharing love like you've always been doing that. I am really happy you've showed so much support to this song. And yeah, that's all about it. Take care, stay safe, stay happy. Thank you so much. Thank you.